बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुर रात के जो मुश्किल अल्फाज हैं इमाम बुखारी रहमह अल्लाह ने बयान किए, आज हम उनको देखेंगे। तो इसमें इमाम बुखारी रहमह अल्लाह ने दो लोगों का हवाला दिया था, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास और एक जो हज़रत इमाम मुजाहिद हैं, एक साबी हैं और एक जो है वो ताबीन में से हैं, ताबी हैं वो। तो ये मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि भई इमाम बुखारी रहमह अल्लाह जो तफसीर बयान करते हैं वो दो तरह के मतलब है ना तफसीर है, एक ये कि मुश्किल अल्फाज के मानी बयान करते हैं वो, और दूसरा ये है कि वो अहादीस में जो अहादीस इमाम बुखारी की शरायत के मुताबिक हैं। अहादीस में अगर किसी लफ्ज़ की वजाहत है या कोई तफसील है या कोई पस मंज़र है या कोई बैकग्राउंड है या कोई शान नुज़ूल वगैरह है या जो भी है, या जुज़वी मुनासबत है, मसलन हदीस में उस आयत का जिक्र आ गया या उस लफ्ज़ का जिक्र आ गया, तो उसको भी लेकर आ जाते हैं। तो वो जो पोर्शन है उसको मैं छोड़ता हूँ क्योंकि हम उसको किताब में पढ़ेंगे। इसमें अमूमन तालिबे इल्मों को जहाँ तक मैं समझता हूँ परेशानी होती है, तो वो आसानी के लिए जो है ना वो एक पहलू, मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, एक जो पहलू ये है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ लें, अल्फाज मानी आप पढ़ लें और उसके बाद उसको पढ़ें, तो काफ़ी चीज़ें बंदे को समझ आ जाती हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सी और चीज़ें हैं, वो किसी टाइम में आपको बताऊँगा कि मतलब किन किन और चीज़ों को जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए, देखना चाहिए तफसीर को सही समझने के लिए। ठीक है, चलते हैं। कबासिती कफई ही, तो इसके ऊपर नंबर मैंने दे दिया 14 नंबर आयत में, बाकियों के ऊपर भी नंबर देने की मैंने कोशिश की है। कबासिती कफई ही, उस बंदे की तरह जो अपनी हथेलियों को फैलाने वाला है। कुरान मजीद में है वल्लदीन यदून मिन दूनी, वो लोग जो अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो उनको कुछ भी जवाब नहीं देंगे, इल्ला कबासिती कफई। और ये सारा मंजर ऐसे है जैसे कि कोई बंदा अपने तेलियां फैलाए हुए है इलल माई, पानी की तरफ, लिया बलूगा फाह, ताकि उसके मुंह तक पहुंच जाए, ताकि उसके मुंह तक पहुंच जाए। तो दरअसल ये जो सारी आगे मिसाल देके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये कह रहे हैं कि ये तशबीह तमसील है, ये तशबीह तमसील है। अब इल्मुल बलागा में आपने ये पढ़ा होगा तशबीह तमसील और गैर तमसील का चैप्टर, जब आप कहते हैं जैद उनका लाशा दी, तो ये तशबीह गैर तमसील होती है, आप एक चीज़ को एक चीज़ के साथ तशबीह दे देते हो। और जब आप मजमूई हैत को, एक मजमूई हैत को, एक शक्ल को दूसरी मजमूई हैत और शक्ल के साथ तशबीह देते हो, वो तशबीह तमसील होती है। और तशबीह तमसील की ये एक वाज़े मिसाल है कि जैसे एक बंदा सहरा में रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। अब अरब वाले जो थे उनका ताल्लुक क्या था, तजारत करते हैं वो, कभी जनाब शाम चले गए, कभी यमन में चले गए, और रास्ते में सहरा हैं, जंगलात हैं, खुशक इलाका है, तो गर्मी में आप देखते हैं ना, आप भी गाड़ी पे जा रहे होते हैं सड़क के ऊपर, दूर पर दूर एक जो है ना वो पानी सा नज़र आता है जिसको सराब कहते हैं, इंग्लिश में मिराज कहते हैं। तो मतलब ये कि बंदा दूर देखता है कि पानी है और उम्मीद उसको मिलती है कि भाई पानी मुझे मिलेगा, लेकिन वो उम्मीद किसी काम की नहीं है, वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये जो लोग जो बुतों को पूज रहे हैं ना, और इनको ये कि कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल होगा, हाँ वो इनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और ऐसा वो क्यों नज़र आता है, आप जब सड़क पे देखते हैं या जंगल में, तो ये जनरल साइंस के चैप्टर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मतलब मौजू है ना, इसको आप स्टडी करें कि भाई कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट कैसे होती है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या पस मंज़र है। तो ये मिसाल है कबासिति कफई ही मसलुल मुशरिक, ये मुशरिक की मिसाल है, अल्लज़ी अबदा माअल्लाही इलाहन गैरहू, जो अल्लाह के साथ और किसी इलाह को जिसने इबादत की या जो इबादत करता है जिसने इबादत की, का मसलिल अतशान, इसकी मिसाल उस प्यासे की तरह है, अल्लज़ी यनज़ुरु इला ख्याले, जो अपने ख्याल की तरफ देखता है, फिल्माय पानी के बारे में, मिन बईदिन दूर से, दूर से लगता है उसको कि वो पानी है, वो युरीद अन यतनावलहु, और वो इरादा रखता है उसको लेने का, वला यकदिरु, लेकिन कुदरत नहीं रखता, लेकिन कुदरत नहीं रखता। अब वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसे ये लोग जिनसे उम्मीदें लगाए बैठे, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। सखरा, आयत नंबर 2 है, सखर शम्स वल कमरा, अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को मुसखर कर दिया, ऐ जल्लला, मुती व फरमा बरदार कर दिया। अब वो दोनों अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, सखर शमसा वल कमरा ऐज़ल्लाला। मुतजावी रातुन आता है, मुतजावी रातुन आता है, आयत नंबर 4 है, ऐ मुतदानियातुन, करीब करीब होना। कुरान मजीद में वफ़ील अर्द किता उन मुतजावियात, मुतजावी रातुन, ज़मीन में टुकड़े हैं जो करीब करीब हैं, मुतजावी ज्वार से,
जार में किसे कहते हैं? पड़ोसी को जो करीब होता है। मुतदान यातुन दना यादन उसे करीब होना ऐ मुतदान यातुन। अलमसूलात आता है, अलमसूलात वक़द खलत मिन क़ब्लिम अलमसूलात, और इनसे पहले अलमसूलात गुजर चुके हैं। और इससे मुराद क्या है? अलअशबाहु वल अमसालु, शिबह उनकी जमा अशबाह है, मसल की जमा अमसाल है, मिलती जुलती मिसालें, मुराद मिलती जुलती सज़ाएँ, मिलती जुलती सज़ाएँ। अल्लाह ने कहा इसकी वजात इमाम बुखारी कर रहे हैं, इल्ला मिसला अय्यामिल्लज़ीन खलौ फलयनज़ुरून इल्ला मिसला, ये सूरह यूनुस की आयत है। वो नहीं इंतज़ार कर रहे मगर उन लोगों की अय्याम की मिसल, अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं, खलौ जो गुजर चुके हैं, यानी माजी के जो लोग जिनको सजाएँ दी गई, ये लोग भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बेमिकदारिन आता है, बेमिकदारिन वकुलशन इंदो बेमिकदार हैं, वेमिकदारिन ऐ बेकदारिन एक अंदाजे के साथ, हर चीज़ अल्लाह ताला के पास है। मुअक्कबात, मुअक्कबातुन आता है या मुअक्कबातुन है, मुअक्कबातुन। तो इसका इससे मुराद वो कह रहे हैं आयत नंबर 11 है, मलाइकातुन हाफजतुन, पीछे मुअक्कबातुन है, मुअक्कबातुन मलाइकातुन हाफजतुन, फरिश्ते जो हिफाजत करने वाले हैं। तुअक्किबुल उला मिनहा अलुखरा, जिनमें से जो पहले के पीछे दूसरा आता है। मुअक्कबात बारी बारी आने वाले, आगे पीछे आने वाले, मुअक्कबात जैसे स्टूडेंट आगे पीछे क्लास में दाखिल होते हैं तरतीब के साथ, कोई एक आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है फिर तीसरा, तो या फिर ये कि जैसे फैक्ट्रियों में शिफ्टें लगती हैं, ये स्टूडेंट चलो ये तो इकट्ठे आ गए ना, शिफ्टें लगती हैं, एक शिफ्ट आ गई है फिर जो है ना दूसरी आ गई है तो पहली जो है वो जा रही है, तो इस तरह मौक़बात। वमिनु कीला अलअकीब, और उसी से अलअकीब का लफ्ज़ है, अलअकीब कहते हैं जो किसी के पीछे आता है, अलअकीब। और युकालु अकब तो फ़ी असर ही या फ़ी इसरी ही, अकब तो मैं पीछे आया, फ़ी इसरी उसके निशानात के, उसके निशानात पे पीछे आया। अलमिहाल का लफ्ज़ आता है, वह शदीदुलमिहाल, अल्लाह ताला अलअकूबा सख्त सजा वाले हैं। कबासित कफ़ ही ललमाए, अब यहाँ पे दोबारा आ गए हैं। तो दरअसल ये दो लोग हैं ना तशरीह कर रहे हैं, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास और एक इमाम मुजाहिद की तफसीर है, वो मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिखे, मैंने निकाल दिया, आप लोग किताब के ऊपर देख सकते हैं। कबासित कफ़ ही ललमाई, तो कहते हैं लियकबिदा अललमाई, यानी वो हथेलियाँ उसने फैलाई हुई हैं पानी की तरह, ताकि पानी को पकड़े, ताकि पानी को पकड़े। अच्छा, राबियन का लफ्ज़ है, राबियन आयत नंबर 17 है, रबा यरबू से, रबा यरबू का क्या माना होता है? बढ़ना फूलना, तो राबियन ज़्यादातर राबियन का आता है, झाग राबियन जो फूल जाती, फूल के ऊपर आ जाती है, बढ़ जाती है, और वो होती कुछ नहीं है, होती कुछ नहीं है। अव मताइन का लफ्ज़ है आयत नंबर 17 है, अलमताओ कहते हैं मा तमत्ता भी, जिससे तू फ़ायदा उठाए, हर वो चीज़ जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं उसको मता कहते हैं, मता साजो सामान। अब इस साजो सामान में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं? अब जो भी मुफीद चीज़ है फ़ायदा देने वाली उसको आप मताउन बोलेंगे। जुफाउन का लफ्ज़ है, जुफाउन का माना होता है रायगा, कहते हैं आगे उसकी वजाहत कर दी है कि अजफातिल क़द्र इज़ा ग़लत, अजफातिल क़द्र का लफ्ज़ बोलते हैं, हांडी के ऊपर झाग आ गई, हांडी ने जोश मारा, इदा गलत जब वो जोश मारती है, फ़ालाह अज़ाबदु तो उसके ऊपर झाग आ जाती है, सुम्मा तस्कुनु फिर वो जो है ना वो सुकून पकड़ती है, उसका जोश ख़त्म होता है, फ़यज़हबु अज़ाबदु तो वो झाग चली जाती है, बिला मनफातिन बग़ैर किसी फ़ायदे के, फ़क़दालिक युमय्यिज़ुल हक़्क़ मिनल बातिल, ऐसे अल्लाह ताला हक़ को बातिल से मुमताज़ कर देगा, जो हक़ है वो झाग की तरह ख़त्म हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और सॉरी जो बातिल है और जो हक है वो बाकी रह जाएगा। अलमिहाद का लफ्ज़ है आयत नंबर 18, व बीस अलमिहाद आता है, बीस बुरा ठिकाना, तो इससे मुराद अलफिराश बिछौना बिस्तर। यदराउना का लफ्ज़ आता है आयत नंबर 22 में, यदराउना बिल हसनाती असैया, वो बुराई को दूर करते हैं, धकेलते हैं, दफ़ा करते हैं अच्छाई के ज़रिए, वो अच्छाई करते हैं बदले में, ऐ यदफाउना। और दरा तो बंदा बोलता है दरा तो ऐ दफ़ा तो, मैंने फ़लाँ चीज़ को धक्का दिया, उसको दफ़ा किया, उसको दूर किया, दरा तो ऐ दफ़ा तो। सलामुन अलैकुम आयत नंबर 24 है, ऐ यकूलुना सलामुन अलैकुम, यानी यकूलुना मादूफ है, वो कहते हैं सलामुन अलैकुम, ऐ यकूलुना क्या इशारा कर दिया कि इससे पहले यकूलुना सलामुन, यकूलुना मादूफ है सलामुन अलैकुम से पहले। व इलैही मताब आता है, व इलैही मताबी, तो असल में था मताबी लेकिन या को पिछली मुनासिबत से हज़ब कर दिया उसको, मताबी। आयत नंबर 30 है, ऐ तौबती, तौबती कह के इशारा किया कि मताबुन तौबत उनके माना में है, और यहाँ पे या महजूफ़ है और उसी की तरफ तौबती मेरी तौबा है। अफलम यस,
ایلم یتبین افلم ییس آتا ہے افلم ییس اسی الذین آمنو کیا نا امید نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے ان اس بات سے لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا اللہ دنا سے جمبیا میرے خیال یہ لفظ ہیں تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا تو افلم ییس کا ترجمہ کرتے ہیں لم یتبین کیا واضح نہیں ہوا یا ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی افلم ییس اے لم یتبین کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی قاریاتن کا لفظ آتا ہے ای داہیاتن مصیبت کو کہتے ہیں 31 آیت ہے فام لئی تو میں نے مہلت دے دی فام لئی تو للذین کفروا شاید ہے میں نے مہلت دے دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو آگے کہتے ہیں اتل تو میں نے وقت کو لمبا کر دیا یہ من المالی والملاوا سے یہ لفظ بنایا گیا ہے مالیون یا ملاواتن کہتے ہیں لمبے عرصے کو ملاوا ام لئی تو اچھا اور اسی سے ملین کا لفظ آتا ہے لمبا عرصہ وہ جرنی ملیا مجھے کچھ عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دو ملیا لمبا عرصہ اور کہا جاتا ہے امام بخاری کہتے ہیں للواسی از الطویلی لمبی اور وسیع ورید کشادہ زمین کو ملن من الارضی ملن کہتے ہیں ملن کہتے ہیں ملا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اشقو والا عذاب الآخرت اشقو آیت نمبر 34 ہے آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے ای اشدو آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں من المشقت یا اشقو کا لفظ مشقت سے ماخوذ ہے لیا گیا ہے معقبہ کا لفظ آتا ہے اللہ یحکم لا معقب لحکمی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے تو کہتے ہیں اے لا مغیرہ یہ معقب مغیر کے معنی میں ہے اچھا معقب کا اور معنی بھی ہے نا ادھر معقباتن تو اس لیے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ یہاں پہ معقب کا معنی کچھ اور ہے متجاوراتن اوپر بھی آ گیا تھا لیکن وہ میرا خیال عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے یہ مجاہد کی ہے یہ اوپر والی مجاہد کی ایک عبداللہ بن عباس کی ہے میں نے نام نکال دیے تھے ٹھیک ہے متجاوراتن تو کہتے ہیں طیبھا و خبیث ہوا زمین کے قریب قریب ٹکڑے ہیں بفی الارض کتاب متجاوراتن یعنی عمدہ زمین ہے و خبیث ہوا اور خراب زمین ہے جو ہے نا وہ خراب زمین ہے اسباخ جو کلر والی زمین ہوتی ہے قریب قریب ہوتی ہے قریب قریب ہے ایک یہاں پہ اچھی زمین ہے پیداوار اچھی ہے اور ساتھ ہی دوسری مطلب وہ زمین ہے جہاں کی پیداوار اچھی نہیں ہے سنوان کا لفظ آتا ہے سنوان وغیرہ سنوان تو سنوان کی وضاحت کر رہے ہیں عید نمبر 4 ہے ان نخلتانی دو کھجوریں اور اکثر یہ زیادہ فی اصل واحدین ایک جڑ میں ہوگی ہوئی ہوں اگر جڑ ایک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بسا ہوگا نیچے سے پودا نکلتا ہے دو دن اکٹھے نکل آتے ہیں تو ان کو سنوان کہتے ہیں ایک جڑ سے کئی پودے نکلے ہوئے ان کو سنوان کہتے ہیں اور وغیر سنوان وعدہ اگر کوئی اکیلا پودا نکلا ہوا تو اس کو جو وہ مطلب غیر سنوان سے وہ مراد ہے بما ام واحدین آتا ہے وہ یسقا بما ام واحدین اور اس کو سراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے تو لیکن پانی سب کو ایک جیسا ہے پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے لیکن ایک پودا بہت اچھا ہے دوسرا اگتا نہیں ہے تیسرا جو ہے وہ ناقص ہے ٹھیک ہے سب زمینوں میں پانی ایک جیسا ہے آپ دیتے ہو ایک زمین کی پیداوار اچھی ہوتی ہے اور دوسری کی پیداوار ہوتی نہیں ہے تیسری کی پیداوار ناقص ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسے ہی ہے کسال یہ بنی آدم جیسا کہ آدم کے بیٹوں میں سے نیک ہے وہ خبیث ہیں اور ان میں سے ایک خبیث ہے ابو ہم واحد ان سال میں کہ باپ ان کا ایک ہے اب آدم کی اولاد ہے اب ایک باپ ہے اس کے اولاد میں سمجھدار بھی ہیں بیوقوف بھی ہیں جاہل بھی ہیں عالم بھی ہیں فرما بردار بھی ہیں اور سرکش اور نافرمان بھی ہیں تو ابو ہم واحد اصحابہ ثقال کا لفظ آتا ہے وہ یونشیو اصحابہ ثقال بھاری جو کیا کہتے ہیں بادل ہیں ان کو یونشیو پیدا کرتا ہے یا اٹھاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں بھاری بادل کون سے ہوتے ہیں الذی فی الماؤ جن میں پانی ہوتا ہے وہ بھاری بادل وہ ہوتے ہیں اور اس سے وہ مراد ہیں کباسط کفئی ہی تو کہتے ہیں ید الماء یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بندہ پانی کو بلا رہا ہے بلسانی اپنی زبان کے ساتھ دور کھڑا ہوا ہے او پانی آ جا وہ یشیر الیہ بیدی اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں او پانی آ جا ٹھیک ہے میں پینا ہے میں تکلوتا ہوں ٹھیک ہے فلا یاتی ہی ابدا لیکن پانی کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا تو ایسے یہ جو لوگ بتوں کو بلا رہے ہیں نا اور پکار رہے ہیں ہمیں دے دو ٹھیک ہے یا کہیں اور جو چیزیں ہم نے بتوں جیسی بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو ان سے کچھ بھی ان کو نہیں ملنے والا ہاں دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جناب ہمارا اور امید کا جو چوپا ہے وہ ہم چوستے رہتے ہیں کہ کچھ کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گا لیکن وہ ہوتا نہیں ہے یہاں تک بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے سالت اودیا تو بقدر یا وادیاں بہہ پڑیں بقدر یا اپنے
जगह के बकदर, अपने ज़रफ़ के बकदर, यानी जितनी जितनी जगह है उसमें पानी जो है वो बह पड़ा। तो आगे बजात कर रहे हैं, ए तमलो बतन वादिन, वादी वादी का जो बतन है वो भर गया, या तमलो बारिशों ने भर दिया वादी के बतन को, बारिश हुई और जो वादी है पहाड़ों के दरमियान जो जगह है वहाँ पर जो है ना वो पानी जो है ना जितनी जितनी जगह है उतनी उतनी जगह में पानी जो है वो आ गया। ज़ाबदुस्सैल का लफ़्ज़ है, तो कहते हैं ये ऐसे है जैसे खुबसुल हदीदी या खुबसुल हदीदी बलहलिया, लोहे और जो है ना जेवर की जो मैल को चहल है जैसे वो ऊपर आ जाती है, ऐसे जो है ना ज़ाबदुस जो सैल, ज़ाबदा राबिया, राबिया से मरा ज़ाबदुस्सैल है, ज़ाबदा राबिया झाग जो फूल के ऊपर आ जाती है, तो मुराद यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं सैलाब के पानी के जो गंद है जो झाग है वो वाली है। जैसे लोहे और जेवर के अगर आप उसको पिघलाते हैं तो गंद ऊपर आ जाता है, ऐसे जो पानी जब आता है तो जो कूड़ा किरकट है वो उसके ऊपर आ जाता है, उसको ज़ाबदा राबिया कहा गया है। ऐसे मा मा तगीज़ुल अरहाम का लफ्ज़ है, तो इस वो जो रहम जो है ना वो कम करते हैं, तो वो कहते हैं गीज़ा का मतलब नुकीसा कम किया गया है। तो ये अल्फाज हैं, आप इनको याद कर लें, फिर उसके बाद आप जो है ना वो सूरत को पढ़ें और जो बाकी तशरीह की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप उसको देखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप क्या करें, आप जो तफसीरें हैं तफसीरों की तरफ आप रजू करें, और उसमें इमाम शुकानी रहमतुल्लाह जो तफसीर है बिलखसूस आप उसको देखें, तो उसमें उन्होंने जो अल्फाज की काफ़ी अच्छी बात की हुई है कि एक लफ्ज़ उसका माखद क्या है, वो किस किन मानी में इस्तेमाल होता है, या उसकी जो तशरीह है वो माहिरीन असहाब रसूल ताबीन जो हैं वो ये तबा ताबीन कैसे करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ऐसे तिनके तिनके से जैसे एक घोंसला बनता है कतरे कतरे से दरिया, तो ऐसे एक एक चीज़ सीख कर हम जो हैं वो आगे जाते हैं और हमें बहुत सी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं होता कि 100% आप सीख जाएँ, कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपके, फिर आप जब दोबारा स्टडी करेंगे कुछ और आ जाएगी, फिर जब आगे चलेंगे तो फिर कुछ और। ठीक है जी।